आप देख रहे हैं ब्रजभूमि न्यूज, ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रजभूमि न्यूज। आदरणीय मित्रों, मैं सीधे सीधे एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करना चाहता हूं जो अपने प्रतिगीतों के माध्यम से सारे देश में जाने जाते हैं। मुझे भी अवसर मिला भाई रामबाबू सकरवार के साथ और एक बिग मैजिक चैनल पर हास्य पंचायत एक सीरियल चला जिसको होस्ट करने का अवसर मुझे मिला और उसमें कई प्रस्तुतियां रामबाबू सकरवार जी ने दी। तब से ये समझिए कि मैं उनका फैन हूं। प्रतिगीतों के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। जोरदार तालियों से आप उनसे आग्रह करें भाई रामबाबू सकरवार। मां वीणा पाणी को प्रणाम करता हूं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर मैं आया हूं। मैं ना चरण वंदन करता हूं। आप बहुत अच्छे सुधी श्रोता हैं, ये पता लग चुका है। अच्छी कविताओं पर अच्छी दाद देते हैं, लेकिन मुझसे कोई ऐसी उम्मीद नहीं रखे कि मैं आपको बहुत कोई ज्ञान की बात कहूंगा। जिस काम के लिए मैं आया हूं, ईमानदारी से कहता हूं, मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी नैतिक और अनैतिक संबंध नहीं है। अगर यहां मुझे यह भी नहीं पता आप किस दल के हैं, कैसे बैठे हैं। मस्ती और ठाकों के लिए धौलपुर राजस्थान से आपके बीच में हूं। धौलपुर चंबल के किनारे पर बसा हुआ वो शहर है जहां से पूरे देश में डकैत सप्लाई किए जाते हैं। ध्यान रखना इस बात का और तालियां वालियां बजाते रहिए। मैं मेरी हालत देखें भले ही आप, मेरे रक्त में है धौलपुर की, धौलपुर के पानी की रवानी है। भले ही मेरी पोजीशन आप देख रहे हैं कमजोर है और तालियां वाली बजाते रहे, तो मैं आपसे गारंटी करता हूं आज की रात यादगार करने की कोशिश करूंगा। लेकिन दो मिनट मुझे आप दीजिएगा, थोड़ा सा उल्लास दीजिएगा मुझे। देश के वरिष्ठ कवि विराजमान है भाई मनवीर मधुर, वो ऐसा नाम है, धौलपुर और मथुरा में कोई ज्यादा दूरी नहीं है। मुझे भी गर्व होता है कि मेरे मथुरा में ऐसा एक कभी पैदा हुआ। मैं चाहता हूं भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। तमाम मंच पर जो बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, ममता जी बैठी हैं, सब मैं बहुत छोटा सा कवि हूं साहब। आदरणीय राम जी से मेरी पहली मुलाकात हुई, इन्होंने बता दिया मेरे बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं, बड़े श्रेष्ठ और संस्कारवान कवि हैं। पहली बार जब मुलाकात हुई मैं इनके घर गया, इनका एक छोटा सा बेटा बाहर गेंद खेल रहा था, गेंद बड़ी तेजी से फेंक रहा था। मैंने कहा भाई साहब आपका बेटा बहुत तेजी से गेंद फेंक रहा है, रोकिए, पड़ोसी के मकान की खिड़की के शीशे टूट जाएंगे। ये बोले सकरवार जी ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो मेरा भतीजा है। मजे लेना, ठाके लेना, तालियां बजाना, मैं शुरू हो जाऊं। बोला सकरवार जी ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो मेरा भतीजा है। मैंने कहा भाई साहब ये भतीजा है तो बेटा कहाँ है। बोले बेटा तो वो है जो आपकी मोटरसाइकिल की हवा निकाल रहा है, बहुत अच्छे आदमी है। अंदर गया भाई साहब, यही ठाके की बात नहीं, अंदर गया, बड़े वाला लड़का आया, ये मेरी बगल में बैठे थे, भाभी जी चाय बनाने के लिए चली गई। उसने आके कहा अंकल जी नमस्ते। मैंने कहा बेटा खुश रहो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो। लड़के ने कहा अंकल जी आठवीं क्लास में पढ़ता हूँ। मैंने कहा बेटा आठ पंजे कितने होते हैं। लड़के ने कहा आठ पंजे 90। भाई साहब बोले शाबाश बेटा शाबाश। अरे मैंने कहा राम जी मेरा भी नाम खराब कर रहे, मेरा भी नाम राम से ही होता है। लड़का आठ पंजे 90 बोल रहा है, आप शाबाश ही इतने। बोले नहीं सकरवार जी इसमें बहुत सुधार है, कल ये आठ पंजे 150 बोल रहा था, धीरे धीरे आ जाएगा 40 पे, आप भी धीरे धीरे मस्ती पे आ जाइए। मैं शुरू करता हूँ चार पंक्तियाँ। भैया ने मैंने ये कहा ना मस्ती और ठाकों के लिए मंगाया गया हूँ और वही काम करूंगा, किसी भी दल से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप अगर दुसाले ओल कर बैठे हो, जब तक मैं खड़ा हूँ मैं निवेदन करता हूँ उतार के रख दीजिए, ठाकों और मस्ती में आ जाइएगा। मैं साधु संतों का बहुत सम्मान करता हूँ, धार्मिक नगरी में हूँ, आध्यात्मिक आदमी हूँ, किसी भी संत की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन राम रहीम जैसे पैदा हो जाते हैं आस्थाओं को चोट लगती है तो कहने की हिम्मत भी करता हूँ और मन चाहता हूं आपका। लेकिन भाई के सम्मान में चार पंक्तियां पढ़ूंगा। वीर रस की कविता पढ़ी, कृष्ण की कविता पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। चार पंक्तियां आपकी अदालत में रखता हूं और शुरू होता हूं भाई साहब। स्वागत। के सुनो शांत हो के मी तुम मधुर सुनाऊं गीत, अपने मनों को मेरे मन से मिलाइए। सुनो शांत हो के मी, अब भाई साहब पोजिशन यह है कि मैं चाय वाले को टोक भी नहीं सकता, पता नहीं कब प्रधानमंत्री बन जाए, तो भाई बांट बूट के जल्दी हट जाए यार।
कि सुनो शांत होके मी तुम मधुर सुनाऊं गीत, अपने मनों को मेरे मन से मिलाइए और यथा योगी सबको प्रणाम करता हूं। मित्रों खड़े हैं जो बंधु कृपा करो बैठ जाइए, कि काव्य सरिता में डूब डूब के नहाओ आज, काव्य सरिता में डूब डूब के नहाओ आज, और कवियों को आपका आशीर्वाद चाहिए और भरपूर आनंद जो लेना है तो अब आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये काम मैं इसलिए कर लिया, पीछे का कोई भरोसा नहीं भाई साहब, लेकिन आप कुछ करें करते हैं, मैं शुरू करता हूं। चार पंक्तियां भाई के सम्मान में देश के लिए कविता पढ़ी, वतन सबका है। भाई ने कहा कि वतन सबका है, तो शहीदों के लिए सैनिकों के लिए चार पंक्तियां आपकी अदालत में रखता हूं, फिर अपनी औकात पर आता हूं। सुनिएगा, कि जो वतन की खातिर मिटे उनको सलाम है, जो वतन की खातिर मिटे उनको सलाम है, जांबाज सैनिकों को कोटि सह प्रणाम है, जांबाज सैनिकों को कोटि सह प्रणाम है, तो आतंकवादियों को उनके घर में मार कर, आतंकवादियों को उनके घर में मार कर, उनके घर में मार कर दुनिया को बता दिया ये हिंदुस्तान है, दुनिया को बता दिया ये हिंदुस्तान है, दुनिया। आइए साहब अब अपनी बात पे आता हूँ, मस्ती पे आइए, थोड़ा सा खुलिएगा। तो डेरा वाले बाबा होए क्या बात हो गई, ध्यान ये रखना कि मैं किसी संत का विरोधी नहीं हूं, वो तो पता लगेगा, आप भी तो मेरे साथ ही है। कि डेरा वाले बाबा होए क्या बात हो गई, कि तेरी खुल गई सब कलई दिन में रात हो गई, कि तेरी खुल, वो बात नहीं आई भाई साहब, मैं तालियों से ही जनरेट होता हूं, बाकी तो मेरा काम ऐसा ही है, तालियां बजाते रहेंगे तो मैं दावा किया है आपको याद करके, याद करोगे आप मुझे। डेरा वाले बाबा होए क्या बात हो गई, तेरी खुल गई हकीकत दिन में रात हो गई, अरे अंध भक्त तेरे रो रहे, अंध भक्त तेरे रो रहे कैसी घात हो गई, अंध भक्त तेरे रो रहे कैसी घात हो गई, कि तेरी खुल गई सब कलई दिन में रात हो गई, तू तो बड़ा कामी कर डाली बदनामी, सच्चा सौदा झूठा निकला हरामी, तू तो बड़ा कामी कर डाली बदनामी, सच्चा सौदा गंदा निकला हरामी, तू तो बड़ा कामी कर डाली बदनामी, सच्चा सौदा झूठा निकला हरामी, तेरे रंग ढंग कहते थे कि तू चोर होगा, तेरे रंग ढंग कहते थे कि तू चोर होगा, पर ना इतना पता था इंसान ढोर होगा, घड़ा पाप का फूटा, घड़ा पाप का फूटा खड़ी खाट हो गई, कि तेरी खुल गई हकीकत दिन में रात हो गई, कि तेरी खुल गई हकीकत दिन में रात हो गई, कर तूत काली कर माया रच डाली अब जेल में मना ले तू दिवाली, कर तूत काली कर माया रच डाली अब जेल में मनाई रे दिवाली, पावन रिश्ते सब तूने तार तार कर दिए, पावन रिश्ते सब तूने तार तार कर दिए, साधु संतों वाले बाने बेकार कर दिए, जो होनी थी तेरी भरपूर समर्थन चाहिए, जो होनी थी तेरी वो औकात हो गई, कि तेरी खुल गई हकीकत दिन में रात हो गई, कि तेरी। मोदी जी ने बड़े काम किए भाई साहब, नोटबंदी की सर्जिकल स्ट्राइक किया, वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, मैं कहता हूं भाई साहब कैसे खत्म कर देंगे, बड़ी मुश्किल से पाल पोस के हमने बड़ा किया, आप कैसे खत्म कर देंगे, मैं आप तक बात पहुंचाता हूं। तीन इंजीनियर एक ही कार में यात्रा कर रहे थे, बात ठीक लगे तो तालियों का घनत्व बढ़ाना जिससे मैं और मस्ती और ठाकों में आपको ले जाऊं। तीन इंजीनियर, एक अमेरिका का,
एक पाकिस्तान का, एक अपने हिंदुस्तान का, तीनों एक ही कार में एक्सीडेंट हो गया, चल बसे, यमलोक पहुंच गए। यमराज जी ने देखा तीनों इंजीनियर हैं, बोले भाई आप तीनों इंजीनियर हैं, आपकी फाइल बाद में सुलटाऊंगा, पहले आप ये बताइए हमारे यमलोक का गेट ठीक करना है इसमें कितने पैसे लग जाएंगे। मजे लेना, भ्रष्टाचार कहां तक घुसा हुआ है, मोदी जी कहते खत्म कर देंगे, मैं कहता हूं बड़ा मुश्किल से पाल पोस के बड़ा कर रखा है हमने। तो भाई साहब एक्सीडेंट हुआ और वो पहुंचे, बोलो गेट में कितने पैसे लगेंगे। सबसे पहले पूछा पाकिस्तानी को, पाकिस्तानी ने हिसाब लगाया, बोला साहब 9000 रुपए में आपका गेट ठीक हो जाएगा। बोला कैसे, कि 3000 का मटेरियल, 3000 मेरे, 3000 की लेबर। बोले ठीक। उसके बाद नंबर आया अमेरिका वाले का, उसने हिसाब लगाया भाई साहब, बोला 18000 रुपए लगेंगे। बोला कैसे, 6000 तो मेरे, 6000 लेबर के, 6000 का मटेरियल। बोला ठीक। उसके बाद अपने का आया भाई का, वो शायद धौलपुर का ही होगा, उससे पूछा तो ऊपर नीचे मुंडी हिलाई, बोला साहब 29000 रुपए लगेंगे। यमराज जी बोले यार गणित समझ में नहीं आया, पाकिस्तानी 9000 बना रहा है, ये 18 बना रहा है अमेरिका वाला, तुम 29 में कैसे बना रहे हो, मजे लेना। बोला साहब 10000 तो आपके, 10000 मेरे, बचेंगे 9000, इस पाकिस्तानी को ठेका दे देंगे, ये जाने इसका काम जाने, बड़े झंझट में काएगो, बड़े फालतू में, ये है अपना हिंदुस्तान भाई साहब। मोदी जी कह रहे भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, कैसे कर देंगे। आइए मैं शुरू करता हूं यहीं से। ए राजा कलमानी दोनों जेल गए, मैंने राजनीति से हाथ निकाला भाई साहब, दोनों जेल गए। जेल जाने से पहले मैडम सोनिया जी से मिले और बोले मैडम देश में घोटाले तो पहले भी बहुत हुए थे, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि सबसे पहले हमें क्यों फंसाया। यहां से हाथ निकालता हूं, क्या क्या बोले वो, कि बोले ए राजा और कलमानिया, बोले ए राजा और कलमानिया, एक मौका हमको भी दो सोनिया। ये माना कि हमसे घोटाला हो गया और पर्दा तो डाला पर उजाला हो गया, पर मिलकर सबने खाया मुंह मेरा काला हो गया। इकले ही क्यों दंड हमको दिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। और मैडम का जवाब सुनना, ठाका और तालियां बढ़ेंगी आपकी। कहने लगी यूं मैडम सोनिया, कहने लगी यूं मैडम सोनिया, अरे तुमने तो कर दिया गुल ही दिया। ये माना कि तुमसे घोटाला हो गया और पर्दा भी डाला पर उजाला हो गया, पर बीजेपी के लिए तो मसाला हो गया। टेंशन में भारी है मेरा जिया, तुमने राहुल का करियर चौपट कर दिया। अरे तुम और राहुल हार के मम्मी के पास गए, लेकिन साहब मोदी जी ने नोटबंदी की, उसका असर अब भी दिख रहा है, वहां से मैं निकालता हूं थोड़ा सा। कि लुट गए मोदी तेरे प्यार में, ही नहीं तालियां वाली मजा यार, मैं काम कर रहा हूं। लुट गए मोदी तेरे प्यार में, खूब डुबोया इन मझधार में, और नोट एक झटके में रद्दी कर दिए, चल रहे जो 500,000 में। के तेरा फैसला ये सुन के सब चोर करे चूचे चूचे चे, के चोर करे चू। अब मैं देखना चाहता हूँ चूचे चूचे चे, दोबारा इसलिए कर रहा हूँ कि आप सफेद वाले या काले वाले हैं, वो पता लग जाएगा कौन तालियां बजा रहा है कौन नहीं बजा रहा है, मुझे कुछ नहीं करना, दोबारा पढ़ना है। लुट गए मोदी तेरे प्यार में, खूब डुबोया इन मझधार में, और नोट एक झटके में रद्दी कर दिए, चल रहे जो 500,000 में। के तेरा फैसला ये सुन के सब चोर करे चूचे चूचे चे, के चोर करे चूचे चूचे चे, हो जो थे सूट बूट में बे चड्डियों में रह गए, कि जो थे सूट बूट में बे चड्डियों में रह गए, उनके सारे अरमान गड्डियों में बह गए, उनके सारे अरमान गड्डियों में बह गए। लाखों की करोड़ों की जिन्होंने की थी चोरियां, भ्रष्टाचार से भरी थी जो नोटों से बोरियां, वे दे रहे गालियां हजार तन के। निवेदन करता हूं साहब, मैं ठाका निकाल रहा हूं, मस्ती आप उसमें कहीं नहीं जाएंगे, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तुम आप मस्ती में रहिएगा। मैं शुरू करता हूं साहब, शुरू करता हूं। वो गए साहब, तो राहुल ने कहा मम्मी ये तो पता था कि हारेंगे, लेकिन नहीं पता था सीधी दुर्गति हो गई, बोलो यूपी में भी हार हो गई। तो पहुंचे मम्मी के पास और बोले यूपी में फिर से एक बार हो चुकी सफाई, एमपी के हीरो ने फिर हैट्रिक बनाई, अब राजस्थानियों ने भी कर दी बेवफाई, गुजरात से आंधी चली और दिल्ली में घुस आई, ये देख देख माहौल में डर गया हूँ माई। तू भी आ जा बजा दे, मेरी मेरी कुंडली में है भाई साहब, ये सब ये होता है, एक बार इसके लिए जोरदार चाहता।
दे दे बात जल्दी जल्दी, चाय वाले के लिए, चाय वाले के ताने बजा यार जोर बात, ये फिर बार बार नहीं आएगा। यूपी में, यूपी में फिर से एक बार हो चुकी सफाई, एमपी के हीरो ने फिर हैट्रिक बनाई, अब उत्तराखंड वालों ने भी कर दी बेवफाई, गुजरात से आंधी चली और दिल्ली में घुस आई, ये देख देख माहौल में डर गया हूँ माई, मोदी के आगे अपनी कोई चाल न चल पाई, ये भ्रष्टाचार अपनी सब पोल खोलता है, महंगाई से लुटा पिटा ये देश बोलता है, क्या चिंता ताज ताजता चिंता ताता, चिंता ताजता चिता चिंता ताता, अरे बोले युवराज मम्मा मम्मा क्या हो गया, बोले युवराज मम्मा मम्मा क्या हो गया, इतनी उम्मीद न थी ज्यादा ही धो गया, लगता है अपना मुकद्दर ही सो गया, लगता है अपना मुकद्दर ही सो गया, संसद में अपना विपक्ष पद भी खो गया, चिंता ता चिता चिता चिंता ताता, तो कईयों को जैसे तैसे देकर कुछ पैसे वैसे, कईयों को जैसे तैसे देकर कुछ पैसे वैसे, मिल भी गई सीट आपका क्या होगा हे हाथी वाली, आपका क्या होगा हे हाथी वाली, यूपी में पिट गया पीपा, दिल्ली से भी इस्तीफा दे दिया, आपका क्या होगा हे हाथी वाली, हाथी वाली बोली होना क्या था, हो गया मैं क्या हो गया, मजे लीजिए, हाथी वाली क्या बोली कि मैं पगली हो गई यार, जोरदार बजाओ एक बार, ढंग की बात पहुंची तो, मैं पगली हो गई यहाँ सीट सब खोके, सीट सब खोके, मैं पगली हो गई यहाँ सीट सब खोके, सीट सब खोके, मेरी मेहनत सब बेकार हो गई, इतनी तगड़ी हार हो गई, सोच रही हूँ कैसे हो गया ये, खुद से करती हूँ बातें दिन कटे न कटती रातें, खुद से करती हूँ बातें दिन कटे न कटती रातें, अब कुर्सी की खातिर दुबली हो गई मैं पगली हो गई यहाँ सीट सब खोके। एक विचार था, कभी मन का विचार लाता है साहब, उनका मन था पीएम बनने का, सीएम भी न रही, तब मैंने लिखा और आपका आशीर्वाद चाहता हूं, मैं पगली हो गई यहाँ सीट सब खोके, सीट सब खोके, पार्टी का प्रचार था इंतजार था पीएम बनने का विचार था, के पार्टी का प्रचार था इंतजार था पीएम बनने का विचार था, सारे सपने धूमिल हो गए रे, एक चाय वाला आया सबका कर गया सफाया, एक चाय वाला आया सबका कर गया सफाया, अब सीटों की खातिर दुबली हो गई मैं पगली हो गई सीट सब खोके, सीट सब खोके अन्ना, ये कोई कविता नहीं है, बीमारी अन्ना का मतलब होता है तालियां तालियां तालियां, अन्ना नहीं बजाएंगे तो ऐसे ही करता रहूंगा मैं, अन्ना अन्ना, कंट्रोल करना होगा अब इस भ्रष्टाचार पे, बढ़ता ही जा रहा है ये नहीं उतार पे, मंत्री संतरी नौकर नेता और ऑफिसर, मंत्री संतरी नौकर नेता और ऑफिसर, सभी खाने में मस्त देश की किसे फिकर, सभी भ्रष्टों को, सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़ दिलवा के सजा लोकपाल से, सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़ दिलवा के सजा लोकपाल से, अन्ना अन्ना। आज निज देश के हालात बड़े मंदे हैं, कुर्सी पर बैठे हुए नेता मद में अंधे हैं, सभी को होड़ है ज्यादा से ज्यादा खाने की, सभी की सेटिंग दो नंबर के धंधे हैं, कि सारा इंडिया ओ मेरा इंडिया इन्होंने बदनाम किया रे, इनकी पूरी करो जांच पड़ताल निकाल के संसद के हॉल से, सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़ दिलवा के सोजा लोकपाल से, कि कल थे जो बिहार के राजा, कल थे जो बिहार के राजा, आज बज गया उनका बाजा, कल थे जो बिहार के,
मैं पता नहीं कब कहां से शुरू हो जाता हूं, आप तो तालियां वाली बजाते रहिएगा। कल थे जो बिहार के राजा, आज बज गया उनका बाजा, नीतीश बोले तू नीचे आ जा, जा चारा और खा जा, चारा और खा जा, ये देख देख रबड़ी का मन सिसके, जो थे कल तक अपने वो सब खिसके, बोली जाएंगे दर अब किस किस के, लालू मेरे राजा कोई रास्ता बताए। कल थे जो भी लालू का मजा लेना साहब, लालू क्या बोलते हैं, औरों ने खाया है मुझको फंसाया है, औरों ने खाया है मुझको फंसाया है, सब कुछ मालूम है किसने मुझे फंसवाया है, मेरी नैया को रबड़ी जिसने डुबाया है, मेरी नैया को रबड़ी जिसने डुबाया है, देखूंगा उसको भी जिसने मुझे ठुकराया है, ये देख देख रबड़ी का मन सिसके, जो थे कल तक अपने वो सब किसके, बोले जाएंगे दर अब किस किस के, लालू मेरे राजा तेजस्वी को समझा जा, कल थे जो बिहार के राजा, गधो अब झूल सिलवाओ, गधो अब झूल सिलवाओ, जमाना खूब आया है, जमाना खूब आया है, बिन पढ़े डिग्रियां पाओ, जमाना खूब आया है, जमाना खूब आया है, कहीं पर दाल में काला, कहीं पूरी दाल काली है, मन दीजिएगा थोड़ा सा जोरदार तालियां बजा करके, कहीं पर दाल में काला, कहीं पूरी दाल काली है, जो बैठे ऊंचे ओहदों पर सभी गुंडे मवाली है, लूट में तुम भी आ जाओ, जमाना खूब आया है, जमाना खूब आया है। मैं भाई साहब पहले बहुत श्रृंगार के गीत पढ़ता था मैं, लेकिन मेरे साथ एक हादसा हुआ आदरणीय, अरे आ, 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 आप अच्छे मित्र हैं दोनों, मुझे पता लग रहा है, बहुत बढ़िया, लेकिन अब आपकी दोस्त बाबा बाबा, मैं तो साहब संतरी हूं आज की रात, आपका मुझ पर दया करिए, मैं पढ़ता हूं साहब, तो मैं बहुत श्रृंगार के गीत लिखता था, एक मजे का गीत पढ़ता हूं, देखो हास्य रस का व्यक्ति अगर श्रृंगार रस की या प्रेम की कोई कविता लिखे, गीत लिखे, तो कैसा लगेगा वो आपको सुनाता हूं, अंतिम पैरोडी, मुझे मन दीजिएगा, और भाई साहब मनवीर जी और राम जी, मैंने कभी किसी मंच से, किधर जा रहे हैं आप, कोई ऐसा गीत नहीं पढ़ा, लेकिन आज इस पवित्र जमीन पर मैं खड़ा हूं, माँ के किनारे पर खड़ा हूं, तो 2-3 मिनट का ये गीत मैं अवश्य पढ़ूंगा, लेकिन अंतिम पैरोडी पढ़ता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं, सुनिए। तो इन्होंने भाई साहब ने, ये बैठे हैं आदरणीय सत्यम जी, मैं बड़े श्रृंगार के अच्छे गीत लिखता था भाई साहब, मैंने लिखना शुरू किया, लेकिन एक हादसा हुआ मेरे साथ, इन्होंने कुत्ता पाल रखा है सत्यम जी ने, मैंने कहा भाई साहब आपके इस कुत्ते की शक्ल तो शेर से मिलती है, मजे लेना, मैंने कहा भाई साहब आपके इस कुत्ते की शक्ल तो शेर से मिलती है, बोला गौर से देखो साला शेर ही है, लेकिन जब से प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ा इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है, तो मैंने वो छोड़ दिया मामला साहब, लेकिन मेरी पत्नी कहा करती थी तुम कविता लिखते हो मेरे लिए नहीं लिखते, मैंने अपनी प्रेमिका के लिए गीत लिखा, और आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, माता बहन को यहां बैठी सुन रही हो तो उनको भी कोई टेंशन नहीं लेना है, ये मेरा खुद का मामला है, मेरी सहानुभूति में तालियां बजाएगा, उसके बाद मैं 3 मिनट का गीत पढ़ूंगा। मैंने लिखा अपनी प्रेमिका के लिए कि आने से उसके आए बुखार, क्या बात है, आने से उसके आए बुखार, जाने से उसके जाए बुखार, जटिल बीमारी है मेरी महबूबा, समझो महामारी है मेरी महबूबा, तो बोलती है जब भी लगे जैसे कोई बम फूटता हो, और डोलती है जब भी लगे डोजर सड़क कूटता हो, गैंडे सी, ये हालत मेरी ऐसी थोड़ी है, गैंडे, इस पर बजा देना ताली सहानुभूति के लिए, गैंडे सी मोटी है
नागिन जैसी कारी है मेरी महबूबा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, ये मेरी कोई कविता नहीं थी, ईमानदारी से कहता हूँ, ये सिर्फ मस्ती और ठाकों के लिए बकवास थी। लेकिन मैं ये गीत आपके श्री चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय, क्योंकि मैं पवित्र स्थल पर खड़ा हुआ हूँ, माँ यमुना बह रही हैं और मैं श्री कृष्ण के धाम में हूँ। एक समस्या पूर्ति आई थी राम जी बहुत पहले ब्रजभाषा में, उसमें एक समस्या दी गई थी हमें कि इस पर आपको पूरा गीत लिखना है, और समस्या थी श्याम बिन सुनोरी ब्रज धाम। इस पर मैंने एक गीत लिखा और आपको सादर समर्पित करना चाहता हूँ। मेरी बकवास पे आपने तालियां बजाई, बस निवेदन इतना करना चाहता हूँ ये गीत आपके मन तक पहुंचे तो उतनी ही तालियां मुझे दीजिएगा, ताकि गीत जिंदे रहे, कविता जिंदी रहे। सुनाता हूँ, सुनेगा कि जैसे घर ग्रह, जैसे घर ग्रहणी बिन सुना, ध्यान रखे एक पंक्ति पर मैंने पूरा गीत लिखा, क्या बात। जैसे घर ग्रहणी बिन सुना, बिना प्राण जो तन कुछ भी ना। जैसे घर ग्रहणी बिन सुना, बिना प्राण जो तन कुछ भी ना। जो करनी बिन कथनी सुनी, जो करनी बिन कथनी सुनी। सुनी अबध बिन राम श्याम बिन सुनोरी ब्रज धाम श्याम बिन सुनोरी ब्रज धाम श्याम बिन सुनो। बहुत बहुत आभार। के बिना तुम्हारे यमुना तट पर कौन बजाए बांसुरिया, बिना तुम्हारे यमुना तट पर कौन बजाए बांसुरिया। और गोपी निसंग तकरार करे को कौन छुड़ावे गागरिया। को सखियन को चीर चुरावे, को सखियन को चीर चुरावे मोहन नटवर नागरिया। को घर घुस के माखन खाए ले संग ग्वाल तमाम श्याम बिन सुनोरी ब्रज धाम श्याम बिन सुनोरी ब्रज धाम। को मधुबन में गाय चरावे ले संग ग्वाल बाल टोली, कहाँ मिले वो छवि सलोनी कहाँ मधुर मीठी बोली। तो तेरे बिन रंगरास अधूरा, तेरे बिन रंगरास अधूरा। फीकी है ब्रज की होली, को गलियन में धूम मचावे, को गलियन में धूम मचावे। नित्य सुबह और शाम श्याम बिन सुनोरी ब्रज धाम श्याम बिन सुनोरी ब्रज धाम। कहते थे जब कृष्ण बंसी बजाते थे, कोयल मोर पपीहे तमाम इकट्ठे हो जाया करते थे। मैंने वो पंक्तियां जोड़ी हैं, इसमें आशीष चाहता हूँ आपका। कि कोयल मोर पपीहा तेरी करें प्रतीक्षा बागन में, कोयल मोर पपीहा तेरी करें प्रतीक्षा बागन में। और मृग समूह बंसी धुन सुनने कान लगाए कानन में। तो हर पल तेरी याद सताए, हर पल तेरी याद सताए ब्रज मथुरा वृंदावन में। और जन जन तुझे पुकार रहा, तालियों का विस्फोट होना चाहिए अगर सच्चे वक्त हैं तो। कि जन जन तुझे पुकार रहा श्री राधे राधे श्याम श्याम बिन सुनोरी ब्रज धाम श्याम बिन सुनोरी। और ये मैंने पैम्पलेट में पढ़ा, देखा कंस वध स्मृति है शायद, तो अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं और निवेदन करना चाहता हूं, मुझे विदा कीजिएगा। कि बढ़ गया अत्या, ये निवेदन किया है श्री कृष्ण से मैंने, कि बढ़ गया अत्याचार आदमी हो गया अंधा स्वार्थ में। बढ़ गया अत्याचार आदमी हो गया अंधा स्वार्थ में। और एक कंस मारा तुमने अब लाखों हो गए भारत में, एक कंस मारा तुमने अब लाखों हो गए भारत में। तो गौ माँ आंसू बहा रही है, गौ माँ आंसू बहा रही है कृष्ण तुम्हारी चाहत में। सरेआम कट रही धैनु, सरेआम कट रही धैनु
बिकरा मांस और चाम श्याम बिन सुनोरी ब्रज धाम श्याम बिन सुनोरी ब्रज धाम जैसे घर गृहिणी बिन सुना बिना प्राण जो तन कुछ भी ना जो करनी बिन कथनी सुनी जो करनी बिन कथनी सुनी सुनी अवध बिन राम श्याम बिन सुनोरी ब्रज धाम श्याम बिन। बहुत बहुत आभार। इनकी किसी भी बात को गंभीरता से न लें। एक ठाकुर साहब इनसे मिले, बोले हम ठाकुर बिरादरी के हैं, बात के पीछे जान दे देते हैं। बोले हम जाट हैं, बिना बात के जान दे देते हैं। तो अब मार दुनिया भर की भ्रष्ट नेताओं को जेल में डाल दो, शासन का तुम्हारा बाप करेगा हिंदुस्तान में? सब रे जेल चले जाएंगे, होगा कैसे? एक एक पिता अपने पुत्र को ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन कराने ले गया। वहाँ एक कब्रिस्तान था जिसमें बड़े बड़े लोगों को दफनाया गया था। एक मज़ार पे लिखा था, यहाँ एक ईमानदार नेता को दफनाया गया था। बेटे ने पिताजी से सवाल किया, पिताजी क्या पहले ज़माने में दो दो आदमी एक साथ दफनाए जाते थे? बात गंभीर है। वो मेरी पत्नी काली नागिन जैसी और गेंडे जैसी मोटी, बिल्कुल गलत बात है, उसकी तो शादी नहीं हुई। अब तक तो मुख्यमंत्री थी, उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने बेमतलब की बात, बेमतलब की बात है। खैर, जोरदार तालियां आपके कौशल के लिए। मुक्ति कहे गोपाल सोंप, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। चारों धामों से निराला ब्रज धाम और उसकी विरासत, संस्कृति, खान पान, रहन सहन का जीवंत माध्यम ब्रज भूमि न्यूज यूट्यूब पर, जहां नित्य ठाकुर दर्शन, संत महंतों के आशीष वचन, भावपूर्ण भजन, ठाकुर रासलीला के नित्य दर्शन, आध्यात्म पर चर्चा और आपकी जिज्ञासा के उत्तर, साथ ही मुख्य मुख्य आयोजनों का सीधा प्रसारण YouTube चैनल के माध्यम से। आप जुड़ें ब्रजभूमि न्यूज से और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद लें ब्रजभूमि न्यूज का।